ऐश्वर्या का पहला प्यार सलमान नहीं बल्कि था ये शख्स। नाम सुनते ही अभिषेक को आता है गुस्सा। बॉलीवुड की दुनिया भी किसी पहेली से कम नहीं है। यहाँ आए दिन एक से बढ़कर एक नए नए खुलासे होते रहते हैं और आज हम आपको बॉलीवुड से ही जुड़ी एक मशहूर अदाकारा के बारे में कुछ बहुत ही खास बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में प्यार तो किसी और को किया था मगर उनकी चर्चा कभी नहीं की। असल में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या रॉय की, जो आज भी बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की एक्स के नाम से मशहूर हैं। आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने सबसे पहले राजीव मूलचंदानी नाम के एक शख्स से इस किया था, जिनका ऐश्वर्या से जुड़ने से कुछ ही समय पहले एक्ट्रेस मनीषा को इराला से ब्रेकअप हुआ था, जिस बात की खबर खुद मनीषा ने ही दी थी। ये बात उन दिनों की है जब ऐश्वर्या ने अभी फिल्मों में कदम नहीं रखा था, तब वो मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट आदि में भाग लेती थी। हालांकि सभी उनकी सुंदरता की खूब तारीफ करते थे और इसी सब के बीच उनकी मुलाकात हुई राजीव मूलचंदानी से, जो खुद भी मॉडलिंग करते थे। ये मुलाकात धीरे धीरे काफी बढ़ गई और वो एक दूसरे के नजदीक आ गए और इसी के साथ ही उनका प्यार भी परवान चढ़ता चला गया। बता दें कि इस दौरान उन दोनों ने कई सारे फोटोशूट साथ में कराए थे। वैसे आपको बता दें कि अपने कैरियर की सफलता के लिए ऐश्वर्या कभी भी प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने राजीव से दूरी बनानी भी शुरू कर दी थी और उस समय मीडिया में इस किस्से को कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। मगर ये मामला उस वक्त उछला जब मनीषा को इराला ने यह कह दिया कि असल में राजीव उनको पसंद करते थे और यही वजह है कि उसने ऐश्वर्या को छोड़ दिया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन के पति अभिषेक के सामने भी जब भी कभी राजीव का नाम आया तब हर बार वो भी नाराज होते दिखे हैं। यह भी बता दें कि इस मामले की वजह से ऐश्वर्या और मनीषा के बीच भी कई बार तनातनी की खबरें सामने आ चुकी है मगर दोनों ही पब्लिकली कुछ नहीं कहती। वैसे अब देखा जाए तो शादी के बाद ऐश्वर्या अब किसी भी फिल्म में इंटीमेट सीन करने से परहेज करती है और अब वो ज्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ ही बिताना पसंद करती हैं।